morning students, today we will be going to discuss the lecture 2 for the kinetic theory of gases, and so far we have discussed about the real gas equations STP, NTP, constant of R and the basic properties of kinetic theory of gases, वो सारी बातें कर लिए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं PV equals to mu RT, जो हमारा real gas equation होता है उसको और भी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास है PV equals to mu R into T, तो आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो इस पर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर लिखने का तरीका है तो म्यू तो हमारा मोल्स होता है, तो PV equals to म्यू को लिख सकते हो स्मॉल m by टोटल मास, स्मॉल m by टोटल मास, ठीक है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं सर। फिर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो एम बाई वी इंटू आर इंटू टी बाई एम बाई डब्ल्यू, क्लियर है। एम बाई वी इंटू आर इंटू टी बाई एम ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा सर, ये डेंसिटी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डेंसिटी। अब इसको रो लिख दो और ये आर हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, ये एम बाई डब्ल्यू हो जाएगा, क्लियर है। तो P अपॉन रो की वैल्यू जो आ जाएगी R इंटू टी बाई एम बाई डब्ल्यू, ठीक है, P बाई रो इक्वल्स टू R इंटू टी बाई एम बाई डब्ल्यू, क्लियर है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे अगर बात करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, R बाई टी P बाई रो के टी बाई एम, इसको और ऐसे लिख सकते हैं P बाई रो जो हो जाएगा ये हो जाएगा के टी बाई स्मॉल एम, के टी बाई स्मॉल एम, पी बाई रो इक्वल्स टू के टी बाई स्मॉल एम, क्लियर है ना, ऐसा हो जाएगा P बाई रो इक्वल्स टू के टी बाई स्मॉल एम। तो फाइनली यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया है रो के टर्म्स में प्रेशर का, ठीक है ना, प्रेशर का जो है सर P इक्वल्स टू रो टाइम्स ऑफ के टी अपॉन स्मॉल एम। अब स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, रो क्या है, के क्या है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, क्लियर है, हमने सारा आपको लिखवा के रखा है। ये एक तरीके का इसका लिखने का तरीका है, ठीक है ना, इसको लिखने का तरीका है P बराबर रो के टी बाई एम, चलो ठीक है। और भी इसको तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि म्यू को जो लिखना है वो म्यू को कैसे लिख देंगे, म्यू को नंबर ऑफ डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिकुलर डेंसिटी जो है स्मॉल एन। तो अगर उसके तरीके से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखो पी वी इक्वल्स टू म्यू इंटू आर इंटू टी, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू म्यू इंटू आर इंटू टी, हम सर ऐसा लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई, फिर हम लोग इसमें PV इक्वल्स टू म्यू इंटू आर इंटू टी, फिर हम लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, और देखो, और अगर मुझे लिखना है तो मैं सिंपली लिखूंगा सर म्यू को P बराबर यहाँ पे के टी बाई एम है, तो इसको स्मॉल n बाई कैपिटल n नॉट लिख सकते हैं इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्मॉल n बाई n नॉट लिख सकते हैं इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो P और पी वी ना, यहाँ पे वॉल्यूम होगा पी वी, ठीक है, पी वी, और क्या लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं R के साथ, इसको लिख दो पी वी बराबर R बाई एन नॉट, पी वी बराबर R बाई एन नॉट इंटू स्मॉल n इंटू टी, पी वी बराबर R बाई एन नॉट इंटू स्मॉल n इंटू टी, ऐसे हमने लिख दिया, चलो ठीक है। और क्या लिखाएगा, P बराबर इसको लिख दो कैपिटल N इंटू के इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली पी वी है, ठीक है ना, एन के टी, पी वी बराबर एन के टी, पी वी बराबर एन के टी, ठीक है। वॉल्यूम को जरा नीचे लेके चलते हैं, वॉल्यूम को जरा नीचे लेके चलो, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम
वॉल्यूम को जरा नीचे लेके चलो, क्या हो जाएगा देखो, वॉल्यूम को अगर नीचे लेके जाएंगे तो P बराबर N by V into K into T हो जाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम हमारा नीचे चला गया, तो यहाँ से P बराबर N by V हो गया। अब N by V को क्या लिख सकते हो, स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल n kt, ठीक है ना, n by v हो जाएगा स्मॉल n kt, स्मॉल n क्या है, रो by m है, स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n होता है सर रो by m, ठीक है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, पूरा क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको फाइनली अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो p बराबर रो by m इंटू के इंटू टी, या p by रो बराबर के टी बाई एम, तो ऐसे भी इक्वेशन यहाँ पे पहुँच सकते हैं, जो इधर मैंने लेकर आया p by रो इक्वल्स टू के टी बाई एम, तो यहाँ पर भी आ जाएगा p by रो इक्वल्स टू के टी बाई एम, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, क्लियर है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये इक्वेशन हमारा जनरेट होके आएगा, इसको कॉपी कर लो जल्दी, हो गया, ठीक है। देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कुछ कुछ फॉर्मूला जैसे पी वी बराबर एन के टी, कैपिटल एन के टी, स्मॉल एन के टी, ये सब जो आता है ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये सब तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी, और कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी होगी। जैसे जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, देखो मान लो आपको कोई भी कंटेनर दे दिया रहेगा, उसमें हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है, उसको सील करके रखा जाएगा, ठीक है ना, कोई भी आपको कंटेनर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें हमारा कोई भी गैस एक सील्ड है, उसमें प्रेशर दे देगा और आपको वॉल्यूम दे देगा, है ना, टेम्परेचर दे देगा, प्रेशर दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, टेम्परेचर। तो लिखो क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कोई भी एक बल्ब है, ठीक है ना, किसी भी कंटेनर में, ठीक है, किसी भी कंटेनर में हमारे पास कोई भी एक बल्ब है, अब बल्ब ऑफ वॉल्यूम दे दिया, बल्ब ऑफ वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, अब बल्ब ऑफ वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब इज सील्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, एक बल्ब है जिसमें गैस को सील करके रखा है, टेम्परेचर इतना है और प्रेशर भी कुछ आपको दे के रखा है, प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर मान लो 10^-15 atm, ठीक है ना, 10^-15 atm ले लो, 1 mmHg, ठीक है, 10^-15 mmHg दे के रखा है प्रेशर, आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्ब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्ब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कंटेनर, ठीक है, किसी भी चीज में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कंटेनर, एक कंटेनर है उसको जिसकी वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतने पर रखा गया है, प्रेशर इतना मेंटेन करके रखा गया है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर की बात कर रहा है, तो कैसे करेंगे, देखो ना, करने का तरीका कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, करने का तरीका है पी, जो पी बराबर म्यू इंटू आर इंटू टी था, इसमें हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था, क्या निकाला था, पी वी बराबर एन इंटू के इंटू टी, ठीक है ना, पी वी बराबर एन इंटू के इंटू टी, यही निकाला था, पी वी बराबर एन इंटू के इंटू टी, हमें इसमें जो आंसर चाहिए वो एन का चाहिए, हमें जो आंसर चाहिए वो एन का चाहिए, के क्या है भाई, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है ना, के हम क्या लिखेंगे, बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट लिखेंगे, जिसकी वैल्यू 1.38 × 10^-23 है, -23, 1.38 × 10^-23 है, तो इसको लिख लो, प्रेशर कितना लिखोगे, प्रेशर है सर 10^-15 mmHg, वॉल्यूम कितना है सर 500 है, और क्या दे के रखा है, और हमें सर n दे के रखा है, निकालना है n, हमें निकालना है, और क्या दे के रखा है, k,
के की वैल्यू 1.38 इंटू 10^-23। फिर टेम्परेचर कितना केल्विन में लिखना पड़ेगा सर, 130 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये केल्विन में आ गया। अब आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए एन, ये सारे को सॉल्व कीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर बल्ब में, क्लियर है ना, उस पर्टिकुलर कंटेनर में, ठीक है। चलो अगला लिखो, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैथ है इसमें और कुछ है नहीं। देखो मान लो आपके पास कोई भी कंटेनर दिया गया है, ठीक है ना, कोई भी कंटेनर दिया गया है, उस पर्टिकुलर कंटेनर में आपको गैस को कंप्रेस करके रखा गया है, ठीक है ना, कंप्रेस करके रखा गया। अब वो गैस हमारा किस पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर दिया गया है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है ना, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम ऐसा देके रखा गया है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस कुछ भी है, कोई भी हमारे पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस जिसमें आपको V1 देके रखा है, P1 देके रखा है, ठीक है ना, V1 देके रखा है, P1 देके रखा है और T1 देके रखा है, ठीक है। ये तो ये कितना ले लोगे, वॉल्यूम ले लेते हैं 500 लिए थे सेंटीमीटर क्यूब। P1 प्रेशर इनिशियल कितना ले लोगे सर, वो ले लो तुम 15 ATM ले लेते हैं, 5 ATM। टेम्परेचर इनिशियल कितना ले लोगे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, ठीक है ना। यह है इनिशियल कंडीशन, कोई भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल या आइडियल उसको इस कंडीशन पर रखा गया है। फिर क्या बोलता है कि हाउ मच वॉल्यूम शुड बी एक्सपैंड, कितना वॉल्यूम इसका एक्सपैंड होना चाहिए, हाउ मच वॉल्यूम शुड बी एक्सपैंड सो डैट, यहां से पूछ रहा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अ गैस शुड एक्सपैंड, कितना वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्सपैंड होना चाहिए ताकि हमारा P1 चेंज हो जाएगा और प्रेशर कुछ चेंज होके P2 बन जाएगा, टेम्परेचर कुछ चेंज होके T2 बन जाएगा। प्रेशर बना देते हैं 6 ATM, टेम्परेचर कितना बना दें, टेम्परेचर बना देते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, इतना हो जाए, कितना वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कितना वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, क्वेश्चन क्लियर है। इनिशियल कंडीशन ये दिया है, फाइनल कंडीशन वो ले जाना है, तो वॉल्यूम कितना उसका बढ़ना चाहिए वो पूछा है। देखो करने का तरीका कौन सा, फॉर्मूला सर, P1V1/T1 = P2V2/T2, ठीक है, सेम गैस मॉलिक्यूल्स है, म्यू की वैल्यू तो कोई चेंज हो गई नहीं, वही गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेगा और ये करेगा, तो P1V1/T1 = P2V2/T2 हम कर सकते हैं। तो P1 आपको दिया गया, P1 कितना है 15 ATM है तो 15 लिख दो भाई, V1 कितना है 500 है तो 500 लिख दो, T1 कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 है इसको 273 केल्विन के हिसाब से लिखिए भाई, तो 273 में -10 हो जाएगा तो 263 हो जाएगा, ठीक है, केल्विन आ गया। P2 कितना है सर 6 ATM, V2 कितना है वो नहीं पता, T2 कितना हो जाएगा सर 60 है, 273 + 60 कर दो 333 आ जाएगा। तो यहां से आप V2 निकाल लो, यहां से क्या कैलकुलेट कर लो V2, अगर V2 निकल गया तो क्या वो आंसर होगा, तो आंसर वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चेंज पूछ रहा, हाउ मच वॉल्यूम शुड एक्सपेंड, तो वॉल्यूम शुड एक्सपेंड जो होगा ना
वॉल्यूम एक्सपेंडेड, ये तो फाइनल वॉल्यूम हुआ ना, कितना बढ़ा, तो वॉल्यूम एक्सपेंडेड जो होगा वो होगा डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी मतलब वी टू माइनस वी वन, वॉल्यूम एक्सपेंडेड कितना होगा, वो जो वैल्यू निकालनी है वो वी टू माइनस वी वन की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रहा है, ये वी टू नहीं होगा, ये वी टू जो आंसर आएगा ये तो फाइनल वॉल्यूम आएगा ना हमारा, ये क्या आएगा फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम आएगी, तो इससे आंसर नहीं होगा हमारा, चेंज से होगा। बात क्लियर है, क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कुछ गैसेस के लॉ के बारे में जो आपको आता है केमिस्ट्री में, आपने पढ़ के रखा है कुछ गैसेस के लॉ के बारे में, कौन कौन से सर, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गे लुसैक्स लॉ, और भी लॉ होते हैं, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना, वो सब नहीं, हम दो तीन लॉ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चार्ल्स लॉ, कुछ गैसेस के लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वो लॉ है जरा देखते हैं हम लोग। सर अगर गैसेस के लॉ के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला मैं लिख देता हूं चार्ल्स लॉ, दूसरा लिख देता हूं बॉयल्स लॉ, और तीसरा लिख देता हूं गे लुसैक्स लॉ। ठीक है, ये अब तीनों में क्या क्या कांस्टेंट होता है आई होप ये आपको पता होगा। चार्ल्स लॉ में सर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। बॉयल्स लॉ में उबलती हुई चीज जिसको बोलेंगे, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ उबलने वाला लॉ, गे लुसैक लॉ सर वॉल्यूम कांस्टेंट। लो भाई खत्म, यही है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गे लुसैक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें जो भी है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, यही फॉर्मूला हमें पता है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो पीवी बराबर म्यू टाइम्स आर इंटू टी, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वी बाई टी बराबर म्यू इंटू आर बाई पी, तो यहां सर हो जाएगी क्या, v बाई टी बराबर कांस्टेंट, v बाई टी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, v बाई टी बराबर कांस्टेंट। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ गए तो क्या लिख देंगे भाई, यहां पर सर बॉयल्स लॉ है सर टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब pv बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, pv बराबर पूरा कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू वाली चीज। अब गे लुसैक्स लॉ में सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी वी बराबर म्यू आर टी, तो यहां पे क्या लिख देंगे सर, वॉल्यूम म्यू इंटू आर बाई वी, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी बाई टी शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, P by T should be equals to constant, ये हो जाएगी सर हमारी बात। तो ये हो गया हमारा क्या, तीनों लॉ के बारे में, ठीक है, तीनों लॉ ये हो गया हमारा। लिखने का तरीका अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, कौन कौन सा सर, V1 by T1 बराबर V2 by T2, P1 V1 बराबर P2 V2, और P1 by T1 बराबर P2 by T2, ये तीनों फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं V1 by T1 जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमारा हो जाएगा V2 by T2 फाइनल वॉल्यूम के बराबर, यहाँ पे PV बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। फिर अगला अगर मैं बात करता हूँ सर बॉयल्स लॉ में, सॉरी गे लुसैक्स लॉ में, तो गे लुसैक्स लॉ में PV बराबर कांस्टेंट है, तो P1 by T1 है ना प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो, P1 by T1 should be equals to P2 by T2, ये कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यूज करते हैं कहीं सॉल्व करने में किसी भी न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना। तो V1 T1 P2 V2 ये सिंपल सा रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है, ये कॉपी कर लो, फिर ग्राफ बताते हैं। देखो चार्ल्स लॉ था ना, चार्ल्स लॉ का अगर मैं ग्राफ करूं तो प्रेशर सर कांस्टेंट है, तो वी वर्सेस टी या पी वर्सेस वी किसी का भी ग्राफ अगर देखोगे तो कैसा बनेगा। ये मान लो प्रेशर है और ये मान लो हमारा वॉल्यूम है। अब ये पी बराबर वी कांस्टेंट है तो ये कैसा है इसका रेशियो? ये सर ग्राफ ऐसा चलना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा चलना चाहिए। प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, पी वर्सेस वी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट ना, पी कांस्टेंट है, ऐसे होगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। दूसरी बात कर ले, मान लीजिए कोई भी इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट बी है, तो प्रेशर सर थ्रू आउट द कांस्टेंट है पी वर्सेस वी में, पी वर्सेस वी में। अगला अगर बात करते हैं तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर या वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, अगला ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है ना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो सर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में अगेन हमें सर प्रेशर तो कॉन्स्टेंट दिखेगा, तो मैं इसका भी ग्राफ कैसा ड्रॉ कर दूंगा, इसका भी ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम किसमें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। नेक्स्ट ग्राफ आ जाएगा हमारा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। अब देखो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर तो ये क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पास होना चाहिए। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही पास होगा। ठीक है, अब वो कैसा, ओरिजिन से लिनियर रिलेशन लेकर आएगा। तो देखो जैसे जैसे मैं बात करता हूं कि इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में भी हमारा सर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा दे देता हूं कि हम इधर से इधर चल रहे हैं सर, इस डायरेक्शन में हम फ्लो कर रहे हैं, तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है ग्राफ हमारा वीटी पीटी और पीवी, वीटी पीवी और पीटी। ठीक है ना, ये तीन ग्राफ है किसके, चार्ल्स लॉ के। अगला जो है हमारा वो है बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट के साथ, उसका भी देख लेते हैं कैसा आता है। बॉयल्स लॉ में हमारा सर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, देखो बॉयल्स लॉ, तो इसमें भी दो तीन ग्राफ पी वर्सेस टी, P वर्सेस T और P वर्सेस V और V वर्सेस T। ठीक है, PT, PV और VT, ये तीन ग्राफ हमें देखना है। तो अगर मैं बात करता हूं PT, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहां पे आ जाएगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, मान लो ऐसा।
अब बात करो पीवी का, तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूँ तो पीवी बराबर कांस्टेंट था, मतलब पी इज कांस्टेंट टाइम्स इन्वर्सली बाय वी। तो पी वर्सेस वी का जो ग्राफ है, पी वर्सेस वी का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ले लेगा, पैराबोलिक टाइप का कर्व, इस टाइप का कर्व ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेशन है। तो P और V बच गया सर वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में अगेन हमारा कौन कांस्टेंट है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कहीं पर भी फिक्स कर दो और वो स्ट्रेट लाइन लेकर आ जाएगा। लेकिन बात है कि सर वॉल्यूम बढ़ेगा किधर? तो देखो ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जाएंगे, तो नीचे देखो यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर सर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इसी के लिए नीचे से ऊपर, टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है, इसमें ऊपर जाएंगे। तो ये तीन ग्राफ है हमारा बॉयल्स लॉ के लिए। वैसे ही अगला तीन ग्राफ जो आएगा वो हमारा किसके लिए आएगा? गे-लुसक्स लॉ, जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वो तीन ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं, गे-लुसक्स लॉ के जो तीन ग्राफ हमें देखने को मिलेंगे। लिखो गे-लुसक्स लॉ। गे-लुसक्स लॉ इंप्लाइज वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मैं यहां पे लिख दूंगा पी वी बराबर म्यू इंटू आर इंटू टी, मतलब सर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी बाई टी शुड कांस्टेंट, पी बाई टी शुड बी कांस्टेंट, ठीक है ऐसा। तो पी वर्सेस टी, पी वर्सेस वी और वी वर्सेस टी, पी वर्सेस टी P versus T, P versus V, and the last one is V versus T, V versus T, ऐसा हो गया, क्लियर है। अब देखो PT, PT ग्राफ क्या है? अगेन ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा, कैसा सर दिखेगा? ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, ठीक है। अब PV सर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो ये ऐसा दिख जाएगा। अब सर VT वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ऐसा दिख जाएगा। ये तीन ग्राफ है देख लो आपको जो दिखेंगे इसके कोरस्पोंडिंग, वीटी पीवी और पीटी, बोलो क्लियर है ना। तो ये तीन ग्राफ आपको दिखेंगे, ड्रॉ कर लीजिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मिक्सचर्स पे, ठीक है ना। इसमें जो भी गैसेस के मिक्सचर्स आएंगे उस पर भी बात होती है, कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला आता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, वो देख लेते हैं हम लोग। अगर मिक्सचर्स की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, मिक्सचर्स, मिक्सचर्स की बात करें तो प्रेशर का मिक्सचर, वॉल्यूम का मिक्सचर, ये सब बात होती है। तो प्रेशर का या वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम के मिक्सचर की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर, तो सिंपली आप इसको ऐड कर दोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, दिस विल गोइंग टू गिव यू द वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर। फिर अगर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर की बात करते हो, प्रेशर किसी भी मिक्सचर में बहुत सारे गैसेस है और उसका प्रेशर लिखना है, तो तुम क्या लिखोगे? P1 T1, ठीक है ना, सॉरी P1 V1, P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। जो भी वॉल्यूम है हमारा उसका मिक्सचर का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन। हेयर द टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर हमारा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्लियर है। P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 एंड सो ऑन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। अगला बात कर लेते हैं हमारा टेम्परेचर मिक्सचर का, टेम्परेचर मिक्सचर का, मिक्सचर की अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो इसमें हम
T1 प्लस T2 प्लस T3 करेंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब μ1 T1 प्लस μ2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 जो भी हैगा, μ1 T1 प्लस μ2 इंटू T2 प्लस μ3 इंटू T3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड ये, ठीक है ना, ऐसे चीज़ें चलेंगी। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बात होती है उस पर मैं करूँगा बात, वो यहाँ पर 1 लिया गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मैं बात करूँगा थोड़ी देर में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बस अभी लिख लो कि यहाँ पर 1 लिया गया है, सारे जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू 1 है। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर f डिफरेंट होगा, f इज सेम, देन μ1 आ जाएगा एक टर्म और वो f1 आ जाएगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा सेम होगा, सॉरी डिफरेंट होगा, यहां पर क्या है 1 मत लिखो, सेम लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी के लिए सेम है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होगा तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल्स में अलग अलग लिखेंगे, μ1 के लिए अलग, μ2 के लिए अलग, μ3 के लिए अलग, μ4 के लिए अलग, सभी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, μ1 टाइम्स ऑफ T1 तो रहेगा ही, इंटू F1 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा μ2 टाइम्स ऑफ F2 टाइम्स ऑफ T2 हो जाएगा एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। T1 ने μ1, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 एंड सो ऑन, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 एंड सो ऑन, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर क्या आएगा सर दोनों में? दोनों में अंतर आएगा F1, F2, F3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा F1, इसके साथ F2, इसके साथ F3, ठीक है, मतलब F1 कॉमा F2 ये सब क्या है, ये सब डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में आगे अभी थोड़ी देर में। तो ये अलग अलग है और ये कैसा है, ऑल आर डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम सब अलग अलग है, ऑल आर डिफरेंट। तो मैं ये लिखता हूं F1 F2 F3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये है हमारा टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का, मिक्सचर का टेम्परेचर ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है।